अब दोस्तों आपको दिखाएंगे कि ये BS6 का हेड है, BS6 का हेड रहे चाहे 4 का रहे चाहे कॉम्बैट का रहे, उसको फिट किस तरह किया जाता है। ये देखिए आप देख रहे हो क्या क्या चीजों को चेक किया जाता है और काम के पहले काम के बाद क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं ये वाला वाल, देखिए अब इसमें एक साउंड आएगा, आया। अब एक दूसरे वाल में देखना भी साउंड आएगा, देखो अभी ये आया या ना, जरूरी है। जब आप खोलोगे ना तब भी आप चेक करना, इस तरह का पटपट आवाज आएगा, समझना कंप्रेसर इसके अंदर है। और उससे बेहतर चीज, एक चीज और आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें प्ले चेक करना बहुत जरूरी है। जो छोटा वाल है ये देखिए ये अंदर गया और ये बड़ा वाल भी गया अंदर, इसमें देखना क्या है मालूम है, प्ले कितना है। प्ले जब भी आप खोलो इस गाड़ी का हेड तो सबसे पहले काम इसका प्ले चेक करना, इसमें प्ले है कि नहीं। इसको इस तरह ऐसा पकड़ना और इसको ना ऐसा आगे पीछे हिलाना, ऐसा आगे पीछे हिलाना, तो पता चलेगा आपको इसमें प्ले है या नहीं है। उसके बाद आपका काम है दूसरा भी है हिला के चेक करना, इस तरह आप इसको चेक करते रहना और दिखाते उसमें क्या। दोस्तों आपने देखा इसको किस तरह चेक किया जाता है, इसमें पहले प्ले चेक करना चाहिए। प्ले बहुत हल्का रहेगा चलेगा, थोड़ा भी ज्यादा रहे तो उस टाइम इसकी गाइड और सीट चेंज करवा देना। हमने इस हेड का भी देखो सीट भी चेंज कर दी है और अंदर की गाइड भी हमने चेंज कर दी है। अब इसको फिट कर दिखा दे, फिट कैसे होता है। सबसे पहले ये वाइसर आएगा, वाइसर ये वाइसर इसमें ऐसा आगे पड़ेगा, एक यहाँ वाइसर पड़ेगा, एक इसके पीछे वाइसर पड़ेगा। ये देखिए देखा आपने, ये दो वाइसर था पड़ेगा। अब इसके बाद में इसमें लगाना ऑयल सील, ये इसकी ऑयल सील है। और ऑयल सील लगाने के पहले चीज ध्यान देना, ये इसकी ऑयल सील है। अब लगाने के पहले क्या करना है, इसके थोड़ा सा ऑयल लगा डाल देना। ऑयल ऑयल डालने का तरीका कुछ इस तरह से है, देख रहा आपको दोनों में से ऑयल भर दी दोनों के अंदर, ऑयल सील के अंदर। उसके बाद सिंपल इसको ये आपको दिख रहा है इस पर रखना है, उसको ऐसा दबा देना, ऐसा एक बैठ गई। सेम पीछे भी वही काम करना है, ये देखे आपको ऑयल सील रखी है उसको दबा देना है, और ये दोनों दब गया अभी, अच्छे से दबा देना है, अच्छे से बैठ गया नीचे जाकर। उसको भी चेक भी कर लेना सही से बैठा या नहीं बैठा, देखिए दोनों ऑयल सील बैठ गई है, सही से चेक भी कर लेना ऑयल सील बैठी या नहीं बैठी है। ये ऑयल सील नहीं रहेगी ना तो भी गाड़ी चालू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि ऑयल सील बिना गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट क्या होगा थोड़ा थोड़ा ना गाड़ी ऑयल खाना चालू कर देगी। वो ऑयल सील क्या करती है, जो ये वाल ऊपर नीचे चलता ना इसके अंदर, दिखा था किस तरह चलता है, ये जो वाल है ये देखिए, ये जो वाल है ना ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या होता है, जो ऑयल है ना वाल इसके थ्रू ऊपर नीचे होता है, तो ऑयल सील की वजह से ऑयल ये हेड में रुका रहता है और फिर इंजन में चले जाता है। अगर ऑयल सील नहीं रहेगी तो वाल के थ्रू क्या होगा, ये सीधा क्या आएगा हेड के अंदर आएगा, इसके थ्रू जब खुलेगा ये तो गैस के साथ में ऑयल भी आएगा और वो जल के बाहर आ जाएगा, तो इस तरह गाड़ियाँ ऑयल कम होने लग जाएगा, तो इसलिए ऑयल सील लगाना जरूरी है। और हम दिखाते हैं इसको हेड को फिट किस तरह करते, कितना तरीका ईजी है फिट करने का। हमारे पास पुलर भी है बट बिना पुलर के दिखाएंगे किस तरह फिट करते हम। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, ये जो राउंडिंग सबसे ज्यादा है ना वो नीचे रहेगा और जहाँ ये गैप ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, ये आप देख रहे हो जो सबसे ज्यादा राउंडिंग नीचे गैप कम है ना वो नीचे रहेगा और जहाँ पे गैप ज्यादा ऊपर रहेगा। तो चलिए हम इसको ऐसा लगा दिए, इसका वाइसर का है और ये इसके दो वाइसर है, ये वाइसर इस तरह लगा देंगे और फिर एक ये चीज दोनों लॉक भी ऐसा लगा देंगे, ये देखिए दोनों लॉक भी इसमें लग गए।
ये लॉक दोनों हमने लगा दिए। अभी हमारे पास पुल्लर भी है लगाने के लिए, और जिसके पास पुल्लर नहीं रहेगा वो किस तरह बिठाएगा हम दिखाते, कि बहुत भाई के पास पुल्लर नहीं रहता है। 17 का रिंग बना लेने का कुछ इस तरह से, और नीचे कोई ऐसा बॉक्स पाना कुछ ऐसा नीचे रख देने का कि वाल नीचे ना जाए। उसको फिर प्रेस करने का नीचे की ओर। अब ये लॉक बैठ के निकल गया, अब फिर ट्राई करते एक बार। ऐसा नहीं कई बार क्या होता है, एक बार में टायर चला जाता है, कई बार दो बार में चढ़ता है। तो गाइस देखिए ये लॉक चढ़ चुका है, आप देख रहे हो। अब दूसरा लॉक चढ़ा के दिखाते हैं आपको, सेम प्रोसीजर दूसरे लॉक का भी है इसी तरह से। ये स्प्रिंग है, हमने इसको इस तरह लगा दिए, इसको इस तरह लगा दिए, इसको भी इस तरह लगा दिए, और ये लॉक को भी कुछ इस तरह लगा दिए। ये देखिए लॉक लग गया, अब इसको फिट करने की बारी बारी है। एक लॉक लग गया, अब ये दूसरा भी बेड लॉक लग गया, अब ये लॉक दोनों बैठ गया। अब जब टी बांधो और एक बार इसको हम ठोक के देखेंगे, इस पर कहीं निकल तो जाता नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह को सा चेक करना है, सही से बैठा है नहीं बैठा है। अब ये बैठा बराबर, देखिए निकलता नहीं है। अब सबसे पहले चेक करते केम, डालने के पहले केम कभी भी चेक कर लेना। ये है BS6 का केम, देखिए इसमें ना दो डॉट दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है इसमें, ये देखिए दो डॉट दिया हुआ है। और उसे हमने दिखाया था उसमें एक ही डॉट था। और ये बेरिंग जरूर चेक कर लेना, बेरिंग खराब, ये कई बार क्या होता ना ये बेरिंग खराब होती ना तो उसमें घर घर की आवाज आती है, फिर गाड़ी स्टार्ट करना क्रेंक की आवाज आती ना वो सेम वैसी आवाज आती है, तो बेरिंग को चेक कर लेना और गवर्नर को चेक करना, और इसकी स्प्रिंग भी देखना स्प्रिंग खराब तो नहीं है। और फिट कर दिखाते इसको, इसको बहुत प्यार से अंदर डाल देना है। उसके बाद ना इसके नीचे देखना है, यहाँ पे इधर इस चीज को देख के ठोकना है तभी जाएगा, नहीं तो कहीं गलत मार दोगे ना तो वो फिर खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको सेंटर में लाना था नीचे का हिस्सा, ये बैठ चुका है ये, और ये चिड़िया भी चेक करना जरूरी है, चिड़िया सही है, और ये चिड़िया चेक करते ये भी सही है। इसमें प्ले रहेगा तो बदली कर देना, नहीं तो टैपिस सही से होगी नहीं, और फिर में चिड़चिड़ की आवाज आएगी और बाद में टूट भी सकती है। और सिंबल्स में से डाल दिए, इसमें पिन दो आती, एक छोटी बड़ी, एक साइड छोटी पिन बैठेगी, एक साइड बड़ी पिन बैठेगी। ये छोटी पिन बैठ गई अंदर, बड़ी चिड़िया की बारी है, सॉरी चिड़िया सेम रहती, पिन छोटी बड़ी रहती है। और ये बैठ चुकी है। अब दोस्तों अपना काम कंप्लीट हो चुका, अब लगाएंगे हम पट्टी। ये है पट्टी इसकी, ये देखिए फुल टाइट हो गया। दूसरा कुछ थोड़ा भरे क्या रख सी दीजिए। और दोस्तों टाइट तो फुल हो गया है, और स्टार से उतना फुल टाइट होता नहीं है, इसलिए देखिए हम ये इसको कुछ इस तरह स्क्रूड्राइवर लगा कर इस तरह इस पर फटका सा देंगे। देखिए अभी ये फुल टाइट हो गया, अब खुलेगा नहीं। अब चलिए गाड़ी फिट करते हैं।